लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दार्जिलिंग से, जहां अर्पिता के बेलघरिया फ्लैट का ताला तोड़कर ईडी घुसा। बता दें आपको कि चाबी धारक को बुलाने के बाद भी काम नहीं हुआ, अंततः ईडी ने बेलघरिया के क्लब टाउन स्थित अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट का ताला तोड़कर प्रवेश किया। जांचकर्ताओं को अर्पिता की और भी कई संपत्तियां मिली। एक ऑपरेशन चल रहा है जहां बेलघरिया स्थित अर्पिता की माँ के घर भी ईडी पहुँच गयी। बेलघरिया के एलिट हाउसिंग क्लब टाउन की 9वीं मंजिल पर अर्पिता का फ्लैट है, जहां ईडी के अधिकारी बुधवार दोपहर करीब 12 बजे फ्लैट की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन दरवाजा बंद था। ईडी अधिकारियों ने एक प्रमुख धारक को सूचित किया, चाबी वाला आया और कई घंटों तक कोशिश किया, लेकिन एलिट हाउसिंग 8A फ्लैट का दरवाजा नहीं खुल सका। इसके बाद ईडी ने ताला तोड़ने का फैसला किया। जांचकर्ता फ्लैट का ताला तोड़कर फ्लैट के अंदर घुस गए। वहीं ईडी के अधिकारियों का मानना है कि बंद फ्लैट के अंदर अहम दस्तावेज हो सकते हैं। फ्लैट में घुसने के बाद ईडी अधिकारियों की एक और टीम बेलघरिया पहुंची और उनके हाथों में एक प्रिंटर भी देखा जा सकता है। सभी अर्पिता के फ्लैट में दाखिल हुए। रिहायशी इलाकों में केंद्रीय बलों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और अभी बढ़ती जा रही है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक अर्पिता के बंद फ्लैट से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। बता दें आपको कि गिरफ्तारी से 72 घंटे पहले अर्पिता इस फ्लैट में आई थी। उसी आवास में अर्पिता का एक और फ्लैट है। ईडी को पता चला है कि फ्लैट को गेस्ट हाउस बनाने की योजना बनाई जा रही थी। वहीं ईडी अर्पिता के बेलघरिया के अब्दुल लतीफ स्ट्रीट स्थित पैतृक घर में भी तलाशी अभियान चल रहा है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। उत्तम सिंह की रिपोर्ट, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल। সমৃদ্ধি ভবন থেকে এনেছেন? সমৃদ্ধি ভবন, সমৃদ্ধি ভবন মানে এসবিআই। কজন অফিসার কর্মী এরা? কি অফিসার? না না, আমরা এই এসবিআই কারা ডেকেছে দাদা? এখান থেকে টাকা কোনো জন্য কি মূলত মেশিন নিয়ে এসে হচ্ছে?